नमस्ते जी, कैसे हो सब? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ, राजपूत जॉन से। ये आपके लिए चंडीगढ़ रोड खरड़ में मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। 3 BHK विलाज है, इंडिपेंडेंट हाउस है। इस पे जो प्रॉपर रहेगा वो 3 बेडरूम है, 3 अटैच वॉशरूम है, 2 ड्राइंग रूम है, 2 मॉलर किचन रहेगी। ये ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में अवेलेबलिटी है। ये सामने आपके ईस्ट फेसिंग है, ये हमारी बिल्कुल सामने वेस्ट फेसिंग रहेगी। एक रो में, जैसे ये एक रो 4 रो है टोटल, एक रो में 17 विलाज है। 34 गेट नंबर 1 पे है, 34 गेट नंबर 2 पे है। ये 68 विलाज बने हुए हैं, रेडी टू मूव में, फैमिलीज रह रही है, कुछ भी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। 35 फिट का रोड है, विद पार्किंग है। 24.5 बाय 36.5 इसका साइज आएगा, 100 गज में बने हुए हैं। ये इंडिपेंडेंट हाउस हमारे 3.5 एकड़ में प्रोजेक्ट है। सोसाइटी का पार्क भी है कॉमन। मैं एक बार आपको पार्क, सोसाइटी का सैंपल, विला का गेट नंबर 2, हर चीज़ विजिट कराता हूँ जी। ये सोसाइटी का 1/2 एकड़ में पार्क है। ये हमारे ईस्ट फेसिंग विला, अभी मैं गेट नंबर 1 पे हूँ। ये हमारा कॉर्नर वाला सैंपल है जो सेल आउट है। अभी जो अवेलेबलिटी है गेट नंबर 2 पे है, वहीं पे पोजेशनें चल रही हैं जो कस्टमरों ने इन्वेस्टमेंट किया हमारे पास रहने के लिए। ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में अवेलेबलिटी है। एक कॉर्नर भी पड़ा है पार्क के साथ वाला, उसके 10% PLC चार्जेज है। ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस पार्क है। गेट नंबर 1 पे जैसे 34 विला है, इनके लिए पार्क के लिए हमने रैंप बनाया हुआ है नीचे। ये ग्राउंड लेवल जो रोड का लेवल है बाहर, उस लेवल का ये पार्क रहेगा। ऐसा ही रैंप गेट नंबर 2 पे उतारा हुआ है। पहले मैं आपको सैंपल विजिट कराता हूँ। ये हमारा इंडिपेंडेंट हाउस है, इंडिपेंडेंट हाउस का सैंपल है। इस स्पेस पे जो हमारी एंट्रेंस के आगे जो ये हमारा एरिया ही, यहाँ पे 2 व्हीलर आराम से 1-2 के करीब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे मेन एंट्रेंस में। ये हमारी मेन एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर की। ये स्पेशियस ड्राइंग रूम है। इसमें जो आपको मिलेगा नहीं, वो पर्दे, फर्नीचर, कर्टन फर्नीचर जैसे बेड सोफे वगैरह और पंखे नहीं मिलेंगे। बाकी आपको एज इट इज़ सीलिंग मिलेगी। इसमें 4790 इसका प्राइस है, 47,90,000 रुपये इसका प्राइस रहेगा। LCD पैनल आपको एज इट इज़ ही मिलेगा। अभी यहाँ पे 5 सीटर सोफ़ा है, 7 सीटर भी लगा सकते हो, 4 सीटर यहाँ पे डाइनिंग है, आप 6 सीटर भी लगा सकते हो आराम से। स्पेशियस है यहाँ पे, 32x32 की फ्लोर टाइल है कजारिया की। ये हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम है, साथ में ही मॉलर किचन रहेगी जो बहुत स्पेशियस है। इसका फ्रंट टच है, इसीलिए फर्स्ट फ्लोर पे एक प्रॉपर ड्राइंग रूम भी बन गया अलग से। अगर बनाते फर्स्ट फ्लोर पे ड्राइंग रूम, 100 गज में 22 फिट फ्रंट होता है उसका। जो फर्स्ट फ्लोर पे ड्राइंग रूम है वो स्टोरी बनता है, एक किस्म से अच्छा नहीं बनता यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे मॉडलर किचन भी हमारी खुली डुली है, ये एरिया भी बहुत सारा यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम भी अच्छा है। मॉडलर किचन में ये जैगुआर की टैप्स रहेंगी, ग्राउंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी। बाकी आपको मॉडलर किचन एज इट इज़ ही मिलने वाली है, और मेरी तरफ से गुड विशेज है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। ये 68 विलाज हमारे खरड़ बस स्टैंड टू साइट, व्हीकल डिस्टेंस इनका 3 मिनट है। ये हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, HDFC से अप्रूव्ड है, सारे नेशनलाइज बैंक के यहाँ पे लोन करते हैं। ये 2x4 की वॉल टाइल है और कजारिया की वॉल टाइल रहेगी। जैगुआर की बाथ फिटिंग है, वॉल हैंगिंग सीटें हैं। LCD पैनल आपको एज इट इज मिलेगा। कबर्ड्स में अभी हम वाइट ग्लॉसी सरमाइका दे रहे हैं, बीच में टीक की पट्टी है। वो गेट नंबर 2 पे जिनकी पोजेशनें चल रही हैं, एक बार दिखा दूंगा मैं। पहले हम 3 कलर ऑप्शन देते थे, अभी देते नहीं है। हमारे सारे विलास ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में रेडी टू मूव में हो गए, बस हमने कलर ऑप्शन छोड़ी होती है। वो भी आपको सैंपल जैसे ही करके देंगे, वो ही बेटर रहेगा। ये ऑफ वाइट कलर होते हैं तो बेडरूम्स स्पेशियस लगते हैं, अंदर भी सरमाइका वर्क है इनके।
ये सेकंड बेडरूम है। बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम रहेगा, 2x4 की वॉल टाइल है, जैगुआर की बाथ फिटिंग रहेगी। बस क्वालिटी सेम है और मतलब लंबाई चौड़ाई भी सेम रहेगी। 2x4 का मींस होता है 2 फुट बाय 4 फुट लंबी टाइल होती है, इसका कलर ही अलग है बस। और जो स्विचेज हैं सारी हमारी ग्रेट वाइट हैवल की स्विचेज हैं और ग्रेट वाइट हैवल की वायर रहेगी सारी। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, एलसीडी पैनल आपको एज इट इज ही मिलेगा। बेडरूम बहुत स्पेशियस है, यहाँ पे भी आप देखो ये फुल साइज का बेड है, यहाँ पे भी बहुत सारा एरिया यहाँ पे बचा हुआ है। ये बालकनी का एरिया सारा, बेडरूम एंड वॉशरूम की विंडो है, वेंटिलेशन है, बेडरूम एंड वॉशरूम की विंडो है। स्प्लिट एसी की प्रोविजन हमने ऐसे निकाली हुई है बैक पे, इस विला में है नहीं है, जो पीछे वाले गेट नंबर 2 के है ये विला, 17 विलाज, इसके सामने भी 17 है। स्प्लिट एसी की प्रोविजन ऐसे निकाली हुई है, नीचे वाले ड्राइंग रूम के टॉप फ्लोर पे दी हुई है, ऊपर वाले बेडरूम और ड्राइंग रूम के टॉप फ्लोर पे है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का 2BHK सेट है, भी फर्स्ट फ्लोर पे 3BHK का सेट दिखाता हूँ आपको। 1BHK जैसे मैंने बताया था, 3 बेडरूम है, 3 अटैच वॉशरूम है, 2 ड्राइंग रूम है, 2 मॉडुलर किचन है। सीलिंग में आपको एज इट इज ही लाइट मिलेगी। और जो सबसे मेन चीज़ है, जितनी विंडो दरवाजे चुगाठे हैं सबके ऊपर हमने पॉलिश वर्क किया हुआ है, और सारी सुडान टीक की विंडो चुगाठे दरवाजे हैं। जो अंदर के डोर है, ये मेन एंट्रेंस का डोर है, इस पर फ्लश डोर के ऊपर टीक प्लाई लगाई हुई है, अंदर वाले भी सारे हमारे फ्लश डोर ही रहेंगे। स्टेयर का एरिया, स्पेशियस है बहुत। ये सारा स्टील का ही है स्टेयर में जो वर्क है। ये बालकनी है अपनी, यहाँ पे स्टील ग्रिल ग्लास वर्क है, बिल्कुल सामने टाइल वर्क है, दोनों रेन की सीवरेज की कमेटी के साथ अटैच है। सोसाइटी में कोई भी खंभा नहीं लगेगा, कोई भी वायर ग्रिल को टच करके नहीं जाएगी, सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड हौदियाँ बनी हुई हैं 20-20 फुट पे, मीटर भी सारे अंडरग्राउंड वायरिंग है, बिल्कुल सामने देख रहे होंगे आप। ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्रेंस है, और एक चीज मैंने दिखानी थी आपको, ये जितनी विंडो चुगाठे दरवाजे हैं सबके बीच में ये ग्रिल है जो सारी स्टील की लगी हुई है। बहुत स्पेशियस ड्राइंग रूम है, स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, दोनों ड्राइंग रूमों में, तीनों बेडरूमों में मिल जाएगी आपको, साथ में छोटी सी मॉडुलर किचन रहेगी। फर्स्ट फ्लोर 13,500 पे रेंट है, ग्राउंड फ्लोर का 18,500-19,000 पे रेंट है, कम से कम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पास में रियात एंड दुआबा वगैरह कॉलेज जो भी हैं, ये हमारे सोसाइटी के पास में ही है, स्टूडेंट बहुत है यहाँ पे, फैमिली को नहीं चढ़ा सकते, वो रेंट ही नहीं दे पाएंगे इतना। ये बेडरूम है, बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, 2x4 की वॉल टाइल है, जैगुआर की बाथ फिटिंग है सारी। बेडरूम का साइज बहुत स्पेशियस है फर्स्ट फ्लोर का। ये फर्स्ट फ्लोर का अपना, इसे वॉशिंग एरिया भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप बेडरूम 2 अटैच वॉशरूम भी बना सकते हो, यहाँ पे बेड वॉशरूम बन जाएंगे, 2 बेडरूम बन जाएंगे, जैसे 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, इस लाइन में हमने 3 बनाए हुए हैं। गेट नंबर 2 पे भी 3 बनाए थे, बिग गए, उनका 5790 प्राइस था, पहले 5490 के हमने ये वाले बेचे हैं। बालकनी टू बालकनी बहुत स्पेस है, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
यहाँ पे फंक्शन कर सकते हो आप लोहड़ी का, दीपावली का। वेंटिलेशन ने वॉशरूम एंड मॉलर किचन की बैक साइड पे निकाली हुई है। ये हमारी सोसाइटी का पार्क है, ये वार्ड नंबर 25 पड़ जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, गार्डन कॉलोनी पड़ जाती है। और ये कमेटी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जैसे मैंने बताया। इस प्रोजेक्ट के पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पार्क स्टेडियम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर कचहरी और सिविल हॉस्पिटल, फ्लाईओवर चढ़ता उतरता पास में, बहुत अच्छी लोकेशन है। हमारी कंपनी के 3 प्रोजेक्ट खरड़ में, ग्रेटर मोहाली न्यू सनिंग क्लेम में, रेंटल इनकम के लिए और रहने के लिए सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट हमारा यही है। एनी टाइम मोस्ट वेलकम है, 7 डेज अवेलेबिलिटी है, जब मर्जी आओ आप विजिट करने के लिए। और जो सबसे मेन चीज़ है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। आपने 2 चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करनी है, रेडी टू मूव हो जो पहली इन्वेस्टमेंट है, और फैमिलीज रहती हूँ वहाँ पे। अंडर कंस्ट्रक्शन कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, चाहे आपका कोई रिलेटिव दिलवा रहा है, चाहे आप खुद 50 बारी देख रहे हो वहाँ पे जाके किसी भी बिल्डर के पास, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फिर आपने जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं, तो आप रोड टू साइट, व्हीकल डिस्टेंस देखो, क्वालिटी देखो, मटीरियल देखो, सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखो, किसी के बोलने पर कुछ नहीं करना। मेरी वीडियो का ये सिस्टम नहीं है कि मैं आपको बुला रहा हूँ अम्मी मेरे पास, हमारे पास आओ कंपनी में विजिट करो आके, ये सिस्टम नहीं है। मेरा जो मेन मकसद है यही है, मैं 10 साल हो गए हैं इस लाइन में मेरे को, और कम से कम भी मैंने 3-4 कंपनी चेंज कर ली है, अब 4th साल लगा इस कंपनी मेरे को, 5वां साल। तो मेरे को ये है कि आप इसमें आइडिया भी ले सकते हो, अगर आपने कहीं पे प्लॉट लिया हुआ है आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो खुद। और अगर आप प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो, कहीं नहीं पसंद आ रही, तो मेरे पास आओ। अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट करनी है, और मैं तो बोलता हूँ 10 बार आप यहाँ पे आओ, और 10 बार आप कहीं और पे भी देखो, फिर आप एक अच्छी चीज़ चूज़ हो जाती है। लोग बोलते हैं सुखविंदर हम कंफ्यूज हो गए हैं कि बेस्ट प्रॉपर्टी चूज़ नहीं कर पा रहे, कौन सा लें कौन सा ना लें। अगर आप 5-10 प्रॉपर्टी देखोगे तभी बात बनेगी ना, तभी कोई आपको चीज़ सामने आएगी निकल के। ये चीज़ है, पेपर वर्क सारा देखो आप, फंडिंग होनी चाहिए 90%। 10-15 बैंक यहाँ पे फंडिंग, जैसे यहाँ पे अभी HDFC से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, सारे नेशनलाइज बैंक यहाँ पे लोन करते हैं। पेपर मंगवाओ, जब कोई डिटेल भेजता है बंदा, सबसे पहले पेपर का सिस्टम रहता है, वो आप मंगवाओ। अभी मैं गेट नंबर 2 दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये गेट नंबर 2 है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रैंप उतरा हुआ है पार्क के लिए। यहाँ पे हम झूले लगाने लगे थे जिम वाले और बच्चों के लिए, तो सोसाइटी ने मना कर दिया, बोलते हमने अगर फंक्शन करना है, शादी का कोई रिसेप्शन पार्टी करनी है, तो यहाँ पे आराम से हो जाती है। जो सोसाइटी का फ्रंट है वो वहाँ से लेके वहाँ तक चौड़ाई में है, तो आगे 13 शॉप बनी हुई है। 10x27 की शॉप है, 10x15 की पार्किंग है। गाड़ी के लिए पार्किंग, अगर रिलेटिव वगैरह आपके ज़्यादा आ जाए तो आराम से मिल जाएगी। गेट नंबर 2 में जो रेडी टू मूव में, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 2 एज एट इज ही रहेगा, गेट अभी बना नहीं है यहाँ पे, छोटा गेट बनाया हुआ है हमने। जब शॉप बन जाएंगी तो आगे गेट बन जाएगा। और यहाँ पे वेस्ट फेसिंग है, ये ईस्ट फेसिंग विलाज है सामने आपके, और एक कॉर्नर का भी पड़ा है। 2 हमारे अभी वेस्ट फेसिंग ईस्ट फेसिंग में अवेलेबलिटी है। ये अभी पोजेशनें चल रही हैं सबकी, यहाँ पे सेल आउट है, 90% सेल आउट हो चुका है यहाँ पे। और मैं आपको एक बार जो मैं सरमाइके की बात कर रहा था, एक बार वो दिखा देता हूँ, बेडरूम के सरमाइके जो हम दे रहे हैं अभी, वो सबसे मेन चीज़ है। ये सरमाइका है, अभी इस पर ये पेपर चढ़ा हुआ है, जब हम पेंट का वर्क ख़त्म करेंगे तो पेपर उतर जाएगा, तो ये शाइन करेगा। ये वाइट ग्लॉसी सरमाइका है ऐसे, ये हम माइका दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, ग्लॉसी है, पूरा शाइन करेगा। और बीच में ये टीकी पट्टी, अभी ये भी पॉलिश होनी है, इसका आधा ही काम हुआ है। एक LCD पैनल में चेंज किया, LCD पैनल में हमने यहाँ पे टीक दे, हमारे उधर सरमाइका दिए शाइन वाला, वो अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे हमने टीक दी है, तो ये हमारा रहेगा। बाकी तो आप देख ही रहे होंगे, सारा सेम टू सेम एज इट इज़ ही दे रहे हैं। इस पर भी अभी प्लास्टिक चढ़ी हुई है, जब पोजेशन दे देंगे तो उतारेंगे, शाइन करेगा। ये सेकंड बेडरूम है, ये है सरमाइका हमारा। जो बाहर की तरफ के दरवाजे उन पे हमने पेंट किया हुआ, जो अंदर है उस पे पॉलिश की हुई है। ये जो मैंने बताया था, जितनी विंडो चुगाठे दरवाजे हैं सब पे पॉलिश वर्क है, इस पे पेंट, इसलिए पॉलिश बाहर काम नहीं करती है। जैसे आपको पता है बारिश का सिस्टम चलता रहता है,
और अभी देखो जी कंस्ट्रक्शन हो गई है ख़त्म। नहीं आप कोई भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ना आप 6 महीने पहले की इसी लैंड की वीडियो देखो, जितने विंडो चौगाठे दरवाजे सबके ऊपर डोर भी में, 3 कॉलम इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 कॉलम इधर है, 2 बीच में, 3 इधर हैं, 8 कॉलम टोटल दिए हुए हैं जो ग्राउंड लेवल पे हमने सारा पृथ्वी घुमाया हुआ है। ये सारे सेल आउट हैं 45 46 आगे सारे, और कॉर्नर को छोड़ के ये 42 नंबर, ये भी सेल आउट है आगे। अवेलेबिलिटी है थोड़ी बहुत, इधर ईस्ट फेसिंग में मिल जाएगी।